जुलाई माह और अगस्त माह का वेतन निकालने के लिए जब वहाँ के इंचार्ज हेडमास्टर ने प्रिंसिपल ने प्रिंट कराया तो उसमें ये पता चला कि ज्योति गोयल लेडीज एब्सेंट चल रही है और बायोमेट्रिक मशीन में उसके अटेंडेंस में प्रेजेंट आ रहा है, जबकि मैनुअल पंजिका में वह अनुपस्थित है। उसने इसकी लिखित शिकायत डीएस मिर्जापुर को किया और मुझको भी किया। उस महिला का जुलाई अगस्त का वेतन रोका। उसमें हमको जानकारी नहीं थी सर जी, अंगूठा किस मेरा है कि किसकी क्या है, बायोमेट्रिक के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। हाँ तो बायोमेट्रिक वाले में एब्सेंट है और रजिस्टर पंजिका में मैं उपस्थित हूँ। कभी ये होता था कि मैडम ने बताया थी कभी कल उंगली काम नहीं करती है तो कभी ट्रायल कर लीजिएगा। अच्छा, ट्रायल कर लीजिएगा तो आप ट्रायल करते थे दोनों हाथों? हाँ, कभी कभी कदा खाली। स्कूल में भ्रष्टाचार और कई ऐसे शिक्षक की बहाली को लेकर के हमेशा खबरें आती रहती हैं, लेकिन एक नया मामला सामने आया है और ये मामला जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, जहां सरकारी जो महकमा है वो हैरान है, इसलिए कि चपरासी का अंगूठा था और प्रिंसिपल साहब की हाजिरी लग गई। यानी कहा ये जाए कि सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि चपरासी ने उस स्कूल में प्रिंसिपल की हाजिरी बना दी, यानी अंगूठा चपरासी का था और प्रिंसिपल साहब ड्यूटी पर थे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल की हाजिरी चपरासी द्वारा लगाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। विभागीय जांच में कॉलेज की प्रिंसिपल और चपरासी दोनों दोषी पाए गए हैं। जांच में प्रभारी प्रिंसिपल के साथ चपरासी के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई है। इस मामले में दोषी अध्यापिका ने खुद ही बताया है कि वो निर्दोष है। लालगंज तहसील के बरौंधा स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में एक सनसनीखेज मामला जांच के दौरान सामने आया, जहां पर भारी प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में भी बायोमेट्रिक मशीन में उनकी उपस्थिति दर्ज होती रही। कॉलेज की प्रभारी प्रिंसिपल रही शशि गोयल के कॉलेज से अक्सर गायब रहने की सूचना उच्च अधिकारियों को मिलती रही, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा स्कूल की के प्रिंसिपल के प्रभारी हाई स्कूल के प्रिंसिपल का प्रभार जो है वह हाई स्कूल के प्रिंसिपल को दे दिया गया। जुलाई और अगस्त माह के वेतन के लिए बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति का प्रिंट निकाला गया, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आ गई। जिस तारीख को शशि गोयल छुट्टी पर रहीं और रजिस्टर में अनुपस्थित रहीं, मशीन में वो उपस्थित थी, यानी जिस दिन वो गायब थी उस दिन वो हाजिर थी। ये अजीबोगरीब मामला है। मामले की जांच के लिए विभागीय अधिकारियों की टीम गठित की गई, जिसने जांच में पाया कि कॉलेज का ही एक चपरासी इस भ्रष्टाचार पर अपना अंगूठा लगा रहा था। कॉलेज के उपस्थिति रजिस्टर में उपस्थिति था और बायोमेट्रिक मशीन में वो अनुपस्थित पाया गया। जांच में पाए गए पूरे मामले का खुलासा करते हुए जेडी ने बताया कि जब बायोमेट्रिक मशीन में कॉलेज के कर्मचारियों के अंगूठे की पहचान की जा रही थी, तब प्रभारी प्रिंसिपल शशि गोयल द्वारा एक ही कर्मचारी के दोनों हाथों की उंगलियों को उसमें शामिल कराया गया और कहा गया कि अगर एक हाथ में कोई दिक्कत आती है तो कर्मचारी दूसरे हाथ की उंगली से अपनी उपस्थिति मशीन में दर्ज करा सकता है, पर इस प्रक्रिया में उनके द्वारा अपनी किसी उंगली को चिन्हांकित नहीं कराया गया, जिसकी वजह से चपरासी के दोनों हाथों की उंगलियों को करा दिया गया। चपरासी को शशि गोयल ने साजिश में शामिल करते हुए उसके द्वारा अपनी अनुपस्थिति में से एक हाथ से उसकी उपस्थिति और दूसरे हाथ से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात समझा दिया गया। चपरासी इस पर अमल करते रहे और दोनों उपस्थिति दर्ज कराता रहा और ये मामला खुलासा जब हुआ तो लोगों की आंखें हैं वो खुली की खुली रह गई कि आखिरकार एक प्रिंसिपल जो है इस तरह का भ्रष्टाचार कैसे कर सकता है। और इस पूरे मामले को सामने आने के बाद सरकार और शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा घोटाला और इस तरह का भ्रष्टाचार सामने आया है। और कहावत जो कही जाती है कि चोर के आगे ताला का, बेईमान के आगे केबाला का, यानी अगर चोर जिसकी नीयत चोरी की हो वो ताला भी तोड़ सकता है और अगर किसी के अंदर बेईमानी की नीयत हो तो वो ज़मीन का जो केबाला होता है उसे भी तोड़ मरोड़ के इधर उधर पेश कर सकता है। और इसी तरह का एक मामला सामने आया है जिसको लेकर के प्रशासन बिल्कुल सकते में है और इसकी जांच की जा रही है कि आखिरकार इस तरह का जो मामला था उसमें किन लोग कौन कौन लोग शामिल हैं, दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, नमस्कार। नाम है आपका? रामपोज। ये बताइए रामपोज जी, आप किस क्या हैं यहाँ पर, किस स्कूल में हैं? हम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरौधा में चपरासी पद पर हैं। अच्छा, ये आप लोग को एक मामला सामने आएगा, जांच भी हो रही है मशीन को लेकर के, जो अंगूठा हाजिरी को लेकर, क्या उसमें चल रहा था, क्या हुआ था, क्या कर, हम नहीं समझ पाए इसके लिए। तो अच्छा, आप अंगूठा आप अपना लगाते थे लेकिन आप एब्सेंट हो जाते थे वहाँ पर, कैसे मतलब क्या हुआ था?
उसमें हमको जानकारी नहीं थी सर जी, अंगूठा किस मेरा है कि किसकी का है, बायोमेट्रिक के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। हाँ तो मैं लगा देता था खाली। अच्छा, तो आपको लगाने के बाद भी आप मतलब यहाँ पे हाजिर नहीं थे? लगाने के बाद हम हाजिर रहते थे हमेशा। तो लेकिन अटेंडेंस में आपका दिखाया जा रहा है जो कि आप यहाँ पे एब्सेंट हैं। हाँ तो बायोमेट्रिक वाले में एब्सेंट है और रजिस्टर पंजिका में मैं उपस्थित हूँ। अच्छा अच्छा, आपका जो दोनों उंगली से आप कभी कभी लगाते थे? कभी काल में लगाए हैं। क्यों दोनों क्यों लगाना पड़ता था? तो कभी काल वही ट्रायल में कि दोनों उंगली फिट किया गया था। हाँ उसके बाद वही कभी काल लगाए हैं, उसके बाद सिर्फ एक ही उंगली लगाए हैं। अच्छा, तो क्यों दोनों, क्या जरूरत पड़ती थी कि आपको दोनों लगाना पड़ता था? नहीं, कभी ये होता था कि मैडम ने बताया थी कभी काल उंगली काम नहीं करती है तो कभी ट्रायल कर लीजिएगा। अच्छा, ट्रायल कर लीजिएगा, तो आप ट्रायल करते थे दोनों हाथों? हाँ, कभी कभी कदा खाली। अच्छा, तो क्या आपकी किस महीने की सैलरी महीने के लिए? जुलाई अगस्त दोनों महीने की। अंगूठा लगाते थे उसके बाद सैलरी आपने? अंगूठा लगाते थे नहीं, जो आपने देखा तो वो किसके में गई जो अंगूठा आपने लगाया बायोमेट्रिक? मैं तो ये में जो बायोमेट्रिक का जो है प्रिंट आउट जो है मैं सितंबर में निकला। हाँ। जुलाई में नहीं, अगस्त में नहीं निकला। हाँ। नहीं, अगर जुलाई में निकला होता तो पहले ही मालूम हो जाता। हाँ। ये निकला है जो मैं सितंबर में। वेतन आपका किस महीने का नहीं मिला? जुलाई अगस्त दोनों महीने के नहीं मिला। क्या लग रहा है आपको कि आपको आपके क्या साथ कोई गड़बड़ी हुई? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? नहीं, मैंने रियाज महोदय ने रोक लगा दिया, इसीलिए कहने मतलब सैलरी के अग्रिम आदेश तक नहीं मिली। जांच टीम आई थी? हैं, जांच टीम आई थी। क्या आपने बताया? जो चीज़ बताया वही बताए थे सर, जो बताए हैं। मैंने देखा तो नहीं। अच्छा, जुलाई की स्थिति क्या? जुलाई का भी मैंने प्रिंट नहीं निकलवाया था। मैंने अभी तक कोई प्रिंट निकलवाया ही नहीं था। नहीं, बताया जा रहा है कि जब सैलरी की बारी आई है तब तो सैलरी की बारी तो जुलाई की भी निकाली गई होगी ना। मशीन चेक किया गया है? बायोमेट्रिक की मशीन की जांच अगस्त के बाद क्यों हुई? वेतन तो जुलाई का माह का भी निकलना था ना। जुलाई माह के समय का अटेंडेंस क्यों नहीं निकाला गया? जब प्रभारी प्रधानाचार्य 6 तारीख को यहाँ विद्यालय में ज्वाइन कर चुके थे तो इन्होंने जुलाई के वेतन हेतु उसका प्रिंट क्यों नहीं निकाला? तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये सब ये मेरे खिलाफ रची गई साजिश है? चाहे वो किसी ने जानबूझ के की हो या अनजाने में की हो, मेरे खिलाफ एक रची गई साजिश है। मुझे बहुत दिनों से डाउट था, करीब 7-8 महीनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीठ पीछे कहीं कुछ हो रहा है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही थी। लेकिन अब ये कंफर्म नहीं कह सकते कि क्या है, आज वो चीज़ सामने आ रहा है। क्यों? अच्छा, मैं साजिश क्यों रची जा रही है? क्या आपको लगता है क्यों साजिश रची जा रही है? ईर्ष्या, जलन या कोई और भावना? ये तो साजिश रचने वाला बता पाएगा कि वो किस फीलिंग के कारण इस तरह की साजिश रच रहा है। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, जैसा कि स्टेटमेंट में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि राम प्रताप जी द्वारा ये कहा गया है कि मैं हफ्तों गायब रहती थी विद्यालय से, ठीक है, इसकी कंफर्मेशन बच्चों से कर ली जाए, टीचर से कर ली जाए, विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मेरी मोबाइल की लोकेशन की जांच कर ली जाए, मैं विद्यालय के समय में विद्यालय में रही हूँ अथवा नहीं, और जिस दिन मैं एबसेंट रही हूँ उस दिन की मेरी CL गई है। सर, ये बताएं कि एक बड़ौधा में राजकीय इंटर कॉलेज है जहाँ पे ये मामला आया है कि बायोमेट्रिक में धांधली करके कोई वहाँ की प्रिंसिपल अपने अंगूठा उठा लगाती थी, क्या है पूरा मामला? देखिए, वहाँ का मामला ये है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बड़ौधा मिर्जापुर, वहाँ पे एक लेक्चरर थे ज्योति गोयल, पहले वो स्कूल के प्रिंसिपल का चार्ज भी था और उनके विद्यालय में न जाने की लगातार शिकायत DIS को मिल रही थी। तो DIS ने उस विद्यालय का प्रिंसिपल काम देखने के लिए एक हाई स्कूल के हेडमास्टर को चार्ज दे दिया। जब हाई स्कूल के हेडमास्टर ने वह ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया तो शिकायतें आने लगीं कि ये जो टीचर है, लेक्चरर है, वो पढ़ाती नहीं है, रोज़ विद्यालय में आती नहीं, अगर आती है तो लेट से आती है और साइन करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, उसमें अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है। तो जुलाई माह और अगस्त माह का वेतन निकालने के लिए जब वहाँ के इंचार्ज हेडमास्टर ने, प्रिंसिपल ने प्रिंट कराया तो उसमें ये पता चला कि ज्योति गोयल लेडीज एब्सेंट चल रही है और बायोमेट्रिक मशीन में उसके अटेंडेंस में प्रेजेंट आ रहा है, जबकि मैनुअल पंजिका में वह अनुपस्थित है। उसने इसकी लिखित शिकायत DIS मिर्जापुर को किया और मुझको भी किया,
तो डीआईएस ने सतर्कता बरतते हुए उस महिला का जुलाई अगस्त का वेतन रोका। उसमें एक चपरासी भी था, जो चपरासी के खाने में जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस आती थी वो एब्सेंट थी, महिला की प्रेजेंट थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच बैठाई गई और अपर निदेशक बेसिक जो है ईडी बेसिक विंध्याचल मंडल मिर्जापुर और जीआईसी के प्रिंसिपल मिर्जापुर के लगाए गए। उन लोगों ने मौके पर जाके जांच किया है और जांच में ये पाया है कि विद्यालय का जो चपरासी है, ये उस चपरासी के दो फिंगर लेडी टीचर ने लगवाया था ताकि जिस तारीख को वो विद्यालय में नया आए उस तारीख को वो चपरासी उसकी दूसरी अपनी फिंगर लगा दे और प्रेजेंट हो जाए और मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर पर आगे साइन कर ले। ये उसकी चालाकी थी, पूरी योजना थी, लेकिन इंचार्ज सी प्रिंसिपल के बदल जाने के बाद जो है वो ऐसा नहीं कर सके। और जब बायोमेट्रिक प्रिंट निकाला गया तो आश्चर्यजनक पाया गया कि रामपोस चपरासी ही उसकी अटेंडेंस लगा देता था, लेकिन वो ये भूल गया था कि इन दोनों फिंगर्स में से मेरी कौन सी फिंगर ज्योति गोयल के लिए यूज हो रही थी और कौन सी फिंगर हाथ की मेरे लिए यूज होती थी। सिर्फ एक फिंगर लगाता रहा, ज्योति गोयल की प्रेजेंट लगती रही या वो खुद प्रेजेंट होकर के एब्सेंट होता रहा। जांच में उसकी पुष्टि हो गई कि ये दोनों के संलिप्तता से ऐसा हुआ है और अब ये जांच मिल गई है। आगे कार्रवाई के लिए हम निदेशालय स्तर पर इसको भेजेंगे। तो क्या चपरासी के दोनों हाथों पे उसने अपने फिंगर अलग अलग कराए थे? क्या क्या था उसका क्राइम करने का उससे क्राइम करने का उद्देश्य?